क्योंकि यार ये ना सिविक है ना ये ग्रैंडी है, ये है सुजुकी एवरी, तो इसमें ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। देखिए अगर हल्की सी भी गाड़ी किसी बाइक से टकराई तो मुफ्त में हमारे घाटे फिट हो जाने गाड़ी ने, क्योंकि भाई लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है गाड़ी का कलर का, आप लोगों को भी पता है। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अशर भाई का क्या हशर बना हुआ है, क्या हशर बना हुआ है यार। हमारा ये हशर हमने खुद नहीं बनाया, हमारा ये हशर गर्मी ने बनाया है, कसम से जलील कर दिया गर्मी ने, ठीक है ना। सुबह से आपका भाई लगा हुआ था काम में, बिल्कुल तो लाइट ने तंग किया, कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे असवर भाई भी काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार असवर भाई कैसे काम करने लग गए, ये तो हडराम आदमी है। तो यार ये हडराम आदमी नहीं, कभी कभी ये भी काम करता है, क्योंकि आज आपके भाई को निकलना है मुल्तान एक बहुत ज़रूरी काम से, छोटे मोटे मुल्तान में काम थे हमारे, हमने कहा असवर भाई आप ज़रा काम करो मेहनत मजदूरी वाला, तो एडिटिंग वगैरह का जो जिम्मा है इंशाल्लाह हमने असवर भाई के हवाले लगा दिया है, ताकि आपको वीडियोस में कोई मसला नहीं होना चाहिए। कभी कभी हो जाता है यार एक दो दिन का गैप हो जाता है, लेकिन ब्लॉग आपको इंशाल्लाह देखने को मिलते रहेंगे। तो अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ मुल्तान के लिए, कपड़े छपड़े पहले चेंज करते हैं। अच्छा यार अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाई की आशर हो गई है, ठीक है ना, हमने कहा निकलना ही करते हैं, क्योंकि पहले 5:02 हो गए, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। तो गाड़ी की चाबी चेक करते हैं, गाड़ी की चाबी ना, गाड़ी की यार देख रहे हो सीन बड़ा ख़राब है, मोए में हो रहा है यार आज मेरे साथ, और ना परफ्यूम स्प्रे दे यार मुझे, पता नहीं गाड़ी के अंदर बदबू हो रही है हमारे अंदर हो रही है, हमारे अंदर ही हो रही होगी। असफर नहाया नहीं है ना एक महीने से, एक महीने से नहाया नहीं और गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता है, तो इस वजह से गाड़ी में काफ़ी स्मेल हो जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है ना निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। अच्छा यार पहले हमें फ्यूल पम्प जाना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूल पम्प से पूरा काम है, अब काम क्या है, पेट्रोल पम्प, फ्यूल पम्प, पेट्रोल लगा रहे हैं, ठीक है, फ्यूल पम्प चलते हैं, टैंकी फुल करवाते हैं। इसकी टैंकी तो वैसे ऐसे भी आधी फुल है, इसके अंदर आधी फुल ही है, तो टैंकी फुल करवाते हैं और फिर निकलने ही करते हैं बिस्मिल्लाह करके। पहले ये मालूम है ये परफ्यूम है ना, ये नहीं मारूंगा ना तो बेहोश हो जाऊंगा मैं, काफ़ी टाइट वाली स्मेल हो रही है यार। एसी ऑन करके ना इसको बंद करें, ठीक है, इसको बंद किया और एसी ऑन किया, ये हो रहा ठंडा ठंडा माहौल गाड़ी के अंदर। अब इसके अंदर मारेंगे स्प्रे, थोड़ा सा ना ये भी काफ़ी गंदा हो गया, काफ़ी गंदा हो गया, इसको भी मार देते हैं, ठीक है, खुश है, चलो अल्लाह हाफिज़, दोबारा खोलो मैं निकलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अपने अमान में रख, अपने हिफ्ज़ अमान में रख। चलो यार निकलने ही करते हैं सब, देखो निकाल का सवाल कैसे रहा गाड़ी, पता नहीं वो फाइटर प्लेन नहीं है कि 47 वो जो जहाज होता है F-16 थंडर, उस तरह से ये मेरी गाड़ी निकलवा रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यार, मुझे सबसे ज़्यादा पता है खौफ का बात है, जब गाड़ी निकालो ना पूरे पूरे डर होता है कि गाड़ी इसके साथ टकरा देगी के साथ, क्योंकि गाड़ी हमारी है काफ़ी लंबी और ये खतरा बहुत ज्यादा है इसके साथ। ओ नो नो, गाड़ी ऑफ हो गई यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो यार निकलते हैं बस, ठीक है ना, अभी चलते हैं फ्यूल पंप, आपसे पेट्रोल पंप पे पहुंच के मिलते हैं। यार अभी फिलहाल फ्यूल शूल हम लोगों ने फुल करवा लिया, ठीक है ना, टैंकी फुल हो गई है, लेकिन असल में यहाँ पे इस वजह शो नहीं हो रही, जब गाड़ी चलती है ना थोड़ा सा गाड़ी बैलेंस होता है उसके बाद यहाँ पे फ्यूल शो करवाते हैं, क्योंकि यार ये ना सिविक है ना ये ग्रैंडी है, ये है सुजुकी एवरी, तो इसमें ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी फिलहाल भाई को हमने कहा वाइपर शेपर लगाने के लिए, क्योंकि गाड़ी का स्क्रीन काफ़ी गंदी हो रही थी, ठीक है, वाइपर शेपर लगवाते हैं और निकलते हैं मुल्तान के लिए, और बस अल्लाह ताला सही सलामत मुल्तान पहुँचा दें, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको सीन क्या है वहाँ पर हमारा आज का। जिस जगह पे हम लोगों ने आना था, ठीक है, हम लोग आ चुके हैं और देख रहे हो रश, देख रहे हो ट्रैफिक, देखो कितना हो रहा है, फुल रश यहाँ पे ना, यही एक मसला है कि जब भी आओ ना रश फुल होगा हमेशा यहाँ पे, तो गाड़ियाँ काफ़ी ख्याल से और सोच समझ के तरीके से जानी पड़ती है, क्योंकि अगर हल्की सी भी गाड़ी किसी बाइक से टकराई तो मुफ्त में हमारे घाटे फिट हो जानी गाड़ी ने, क्योंकि भाई लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है गाड़ी का कलर का, आप लोगों को भी पता है। बस अभी पार्किंग वाली जगह आने वाली है, ठीक है, गाड़ी को पार्क करते हैं। लो जी वेरी गुड वेरी गुड, यार मैं गाड़ी पार्क करूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ।
असल में हम लोगों को काम था ना मुल्तान में, वो ये था कि अबू ने कहा था कि याद से मुल्तान से ना ये दो तीन बोरे एक्सचेंज करवाने, तो ये जाए करवा के ले आओ। तो ये बोरे शायद हम लोगों ने एक्सचेंज करवा ली हैं। उसके अलावा कुछ मुल्तान का मशहूर हमने कुछ, अब मुल्तान है तो बंदा मुल्तान है कुछ और ख़ास लेके तो जाए ना। तो मुल्तान में यार ये एक बड़े मज़े की एक मशहूर चीज़ है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई जब वो डाल रहे थे, मैं आपको, आपने देख ली होगी पीछे, ठीक है ना। काफ़ी मज़े की चीज़ है ये। इसका नाम मुझे यार याद नहीं आ रहा क्या, तो इसका नाम है बूंदी है और दही डली हुई है उसके अंदर और मीठी मीठी रोटी टाइप है कुछ। तो ये मैंने लिए बेसिकली हरम गेट से। यार इसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, आप वीडियो में देख के समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना। तो अभी फिर हम लोग निकलने ही कर रहे हैं क्योंकि आगे पीछे रश लग रहा है हम लोगों की वजह से। आपसे मुजफ्फरगढ़ पहुंचने के बाद मिलते हैं। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मुजफ्फरगढ़ पहुँच गए हैं, ठीक है ना। सामान शामान जो हम लोगों ने उतारना था वो उतार दिया है, और ये जो पीछे गट्टू नज़र आ रहा है आप लोगों को देखने से, चावल चावल और सामान वगैरह, वो सामान पड़ा है जी कल आपके एक भाई के घर है, एक हमारी दादी अम्मा की बरसी, तो उसके लिए डेक्शेक पकना है। तो मतलब कि कल का दिन हमारा काफ़ी मसरूफ जाएगा क्योंकि कल उनको फर्स्ट टाइम जाना है मंडी, मंडी से सामान वगैरह लेके आना है, फिर उसके बाद डेक्शेक पकवाएंगे। और कल जुम्मा तो मुबारक का दिन है, तो मतलब कि दिन भी काफ़ी मसरूफ होगा। तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग भी बड़े मज़े का होने वाला है। व्लॉग को कल का व्लॉग भी स्किप नहीं करना, चैनल को करो सब्सक्राइब ताकि आपको व्लॉग कल का देखने को मिले। और यार ये जो बड़े मज़े की चीज़ है, मैं कह रहा हूँ बार बार कमेंट सेक्शन में मुझे इसका नाम बताना है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। मैं वेट करूँगा आप लोगों का नाम बताने का। तो बाकी यार बड़े मज़े की चीज़ है, आपने जब ये तला रही होगी तब भी वीडियो में देखोगे आप लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा देख के। अच्छा मैं आप लोगों को उसकी लोकेशन बता देता हूँ। हरम गेट बेसिकली जो है ना, हरम गेट पे जो एक किला टाइप जगह बनी हुई है काफ़ी ऊंची सी, बिल्कुल उसके बैक साइड साइकिल मार्केट लगती है और उसके सामने बिल्कुल इसकी दुकान है काफ़ी मशहूर। और जो लोग मुल्तान के रिहायशी हैं वो तो मेरे ख्याल से उस बंदे की वीडियो देख के समझ गए होंगे। तो चलते हैं, ऐसे प्लेट में निकालते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है ना। अभी चलते हैं। बाकी यार बाहर तो बड़ी टाइट वाली गर्मी हो रही है और गाड़ी के अंदर ऐसा मजे मजे चलते हैं। यार मैं मजाक के अलावा बता रहा हूँ, मेरे साथ बड़े ही गंदे वाला मोहमे हुआ है, ठीक है ना। मैं जब उस पर घर आया ना, मैंने सारा सामान अम्मी को और असफर को दिया, मैंने कहा ये सारा सामान रख, ठीक है ना, तुम लोग रखो अपना खा लेना, मेरे लिए रख लेना, ठीक है ना। असफर ने क्या बोला अम्मी को, अम्मी आप ना ये सारा हम लोग खा लेना, अशु भाई अपना खा के आया है और ये लोग सब खा, मैं घंटा एक बैठ था घर से, फिर उन्होंने खा पी के सब बराबर कर दिया। अब जब मैं घर आया मैंने कहा मुझे खाने को दो, तो कहते हैं ये तुम लोग सबने खा लिया। मैंने फिर क्या कहा पता है, मोए मोए, बड़ा गंदा सीन हुआ अपने साथ यार। कोई बात नहीं, आज नहीं खा सके, नेक्स्ट टाइम खा लेंगे, कोई बात नहीं भाई, उन्होंने तो खा लिया ना वो होता है। तो इस व्लॉग को करें यहीं पे एंड, अगर आपको हमारे आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ से मिस्टर रोस्टर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।